नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। 2 साल हो चुके हैं जब से कोरोना नाम की महामारी दुनिया के सामने पहली दफा आई थी। हालांकि अभी भारत में दूसरा साल और दूसरी लहर चल रही है, लेकिन उससे पहले कोरोना ने चीन में दस्तक दे दी थी, जहां वुहान में ही सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। सबसे पहले लॉकडाउन भी वहीं पर लगाया गया था। उसके बाद से कोरोना ना तो चीन के दूसरे शहरों में फैला और ना ही दूसरी लहर आई। अचानक से कोरोना चीन से छूमंतर हो गया, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में कहर बरपाने लगा, जिसमें भारत, अमेरिका और तमाम शक्तिशाली देश शामिल हैं। अब समझिए और ये सोचिए, ये कोई साजिश तो नहीं जिसमें चीन अकेला बचा हुआ है, बाकी सब फंसे नजर आ रहे हैं। आज वंदे मातरम में पूरी पड़ताल करेंगे और वो सबूत दिखाएंगे जिनके दम पर कहा जा सकता है कि चीन ने पहली, दूसरी ही नहीं, कोरोना की तीसरी लहर का कोरोना भी अपनी लैब में तैयार कर लिया है, जिसकी जद में दुनिया भर के बच्चे जो है वो आने वाले हैं। और चीन नहीं माना तो उस हाहाकार वायरस से तीसरा वर्ल्ड वार होना तय है। और चलिए वंदे मातरम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। खबर जो लखनऊ से आ रही है, जहां सपा सांसद आजम खान को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। आजम खान की तबीयत ज्यादा खराब हुई है और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। लखनऊ से खबर आ रही है, सपा सांसद आजम खान को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। सीतापुर के जेल में बंद थे और जब तबियत ज्यादा बिगड़ी, जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए, जेल में ही इलाज चल रहा था, उसके बाद उन्हें लखनऊ मेदांता जो है लेकर आए और अब खबर आ रही है कि उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उनकी तबियत ज्यादा खराब बताई जा रही है। सीतापुर जेल से कल रात ही उनको लखनऊ लाया गया। आजम खान और उनके बेटे दोनों कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनकी तबियत स्थिर बताई जा रही है। वहीं आजम खान की तबियत लगातार खराब होती जा रही है और अब खबर आ रही है कि उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। लखनऊ मेदांता में फिलहाल इलाज चल रहा है और आजम खान को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। यहां पर सपा के सांसद आजम खान की तबियत जो है लगातार बिगड़ती जा रही है। पहले सीतापुर जेल में जब बंद थे, कोरोना संक्रमित हुए, इलाज वहीं पर चल रहा था, लेकिन जब तबियत ज्यादा खराब हुई रविवार को, उन्हें लखनऊ के मेदांता लेकर आए और अभी खबर आ रही है कि उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। और चलिए अब बात करते हैं उस चीन की, जिस चीन के वुहान से कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में फैला, लेकिन वही चीन अब सेफ है और पहली, दूसरी, तीसरी लहर से पूरी दुनिया परेशान है। ये चीन की कैसी साजिश है, इसका खुलासा आज वंदे मातरम में हम करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहली लहर में दुनिया हाफी, दूसरी लहर में सांस टूटी और तीसरी लहर में थम जाएगी दुनिया। बुजुर्गों पर अटैक, दूसरी लहर में युवाओं की घेराबंदी और अब तीसरी लहर में बच्चों पर अटैक करेगा कोरोना। दुनिया के तमाम देशों के लिए कोरोना कुदरत का कहर नहीं बल्कि चीन की एक खौफनाक साजिश है, क्योंकि चीन को छोड़कर सभी देश कोरोना से करा रहे हैं। सिर्फ पहली लहर में चीन के वुहान में कोरोना का कोहराम था, उसके बाद चीन से कोरोना की कोई खबर नहीं आई। अब चीन में खुलेआम पार्टी भी होने लगी है। भारत में अभी दूसरी कोरोना लहर ने तबाही मचाई हुई है। तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। अमेरिका के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिससे पुख्ता होता है कि चीन ने ही कोरोना तैयार किया। इसकी तैयारी वो साल 2015 से कर रहा था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं, उन पेपर्स में लिखी बातों के अनुसार कोरोना वायरस फैलाना चीन के थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करने का हिस्सा था।
कोरोना फैलने में चीन वुहान के मीट मार्केट में मिल रहे चमगादड़ के मांस को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वही अमेरिका दावा कर रहा है कि इस वायरस को खुद चीन ने लैब में तैयार किया था। चीन कोरोना वायरस के जरिए दुनिया को तबाह कर अपना एक छत्र राज बनाना चाहता था। इसकी तैयारी उसने 2015 से कर ली थी। चीन की साजिश को एक एक कर बेनकाब करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, वो पहले आपको बता दें। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 596 लोगों की मौत हो चुकी है, 39,305 नए मरीज सामने आए हैं, 32,188 लोग रिकवर हुए हैं। कर्नाटक में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 31.66% पहुंची। दुनिया भर में लोग मर रहे हैं, लेकिन चीन में जश्न हो रहा है। आखिर चीन की कोशिश क्या है, वाकई क्या करना चाहता है? अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट ने इसका खुलासा भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए और जरा समझिए कि चीन करना क्या चाहता है। दो साल पहले जब वायरस ने चीन में कोहराम मचाया था, उस वक्त पहली दफा पूरी दुनिया कोरोना को जानी थी। तब चीन ने उसे चमगादड़ से फैला वायरस बताया। लेकिन जैसे जैसे तबाही दूसरे देशों तक पहुंची, तो चीन की साजिशें खुलने लगी, क्योंकि कोरोना वायरस वुहान से आगे नहीं बढ़ा। जबकि दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में तेजी से फैला। चीन में सिर्फ वुहान में लॉकडाउन लगा, जबकि दुनिया के कई देशों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा। चीन में पहली लहर के बाद कोरोना खत्म हुआ, दुनिया में तीसरी लहर से कोहराम मचा है। सवाल ये उठता है कि आखिर चीन कोरोना से कैसे बच रहा है? क्या चीन ने जानबूझकर दुनिया को संकट में डाला, या फिर चीन ने वैक्सीन पहले ही तैयार कर ली थी? ये सारे सवाल इस ओर इशारा करते हैं कि चीन जरूर कुछ ऐसा छिपा रहा है जो बेहद खतरनाक है। हालांकि अमेरिका समेत यूरोप के कई देश कई बार कहते आए हैं कि जिनपिंग की सनक से आज दुनिया बर्बादी के कगार पर है। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. दुनिया पर राज करने को लेकर चीन की सनक कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों के आगे चीन की चल नहीं पाई। इसलिए चीन ने एक नया रास्ता निकाल लिया और दुनिया को वायरस वॉर में झोंक दिया। अमेरिका के पास कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है कि चीन सुपर पावर बनने के लिए दुनिया को खतरे में डालने से नहीं चूका, जो चीन के थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करने का प्लान का हिस्सा था और इसलिए वायरस लैब में तैयार किया गया। इसकी तैयारी 6 साल पहले ही कर ली गई थी। अमेरिकी इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ काफी अहम सबूत लगे हैं, जो ये साफ कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को चीन ने जानते हुए बनाया और फैलाया। सबूतों के अनुसार 2015 से ही चीन ने इसकी तैयारी कर ली थी। अब मिले सबूतों के बाद चीन फिर से दुनिया के निशाने पर आ गया है।
सीक्रेट डॉक्यूमेंट से पता लगा कि चीन एक ऐसा बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहा था जो दुनिया के ताकतवर देशों के मेडिकल सिस्टम को ध्वस्त कर सकता था। द ऑस्ट्रेलियन पेपर में पूरा खुलासा किया गया है, जिसके मुताबिक चीन एक ऐसा हथियार बना रहा था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी ना हो, इसका कोई तोड़ ना हो। डॉक्यूमेंट्स में हालांकि कोरोना वायरस का नाम नहीं लिखा था, लेकिन इसमें लिखी बातें इसी ओर इशारा कर रही है। तभी तो चीन में कोरोना सिर्फ वुहान तक ही सीमित रहा और दूसरे शक्तिशाली देशों में तबाही मचा दी। यहाँ तक कि अमेरिका का सिस्टम भी फेल हो गया, हेल्थ इमरजेंसी लगानी पर लोग तड़प तड़प कर मरे। यूरोप के तमाम देशों से लेकर एशिया, गल्फ, अफ्रीका, तमाम जगह कोरोना जा पहुंचा और अब पहली दूसरी लहर के बाद सबसे ज्यादा खतरा तीसरी लहर में बच्चों पर मंडरा रहा है। अमेरिका के हाथ लगे सीक्रेट डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा डराने वाली बात है कि चीन ने कोरोना पर काम करना बेशक 2015 में शुरू किया, लेकिन इस बात के भी सबूत मिले हैं कि चीन ने वुहान की लैब में ही इस वायरस को तैयार किया था। द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 2002 से ही चमगादड़ के सैंपल जमा किए जा रहे थे। इससे कुछ ऐसे वायरस बनाए गए थे जो इंसानी सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे थे। इसके बाद भी चीन रुका नहीं, कोरोना वायरस बनाकर चीन दुनिया को तबाही के मुंह में धकेल दिया और अब पूरी मानव जाति पर बड़ा संकट मंडरा रहा है, जबकि चीन में जश्न मनाया जा रहा है। जाहिर है ऐसे माहौल में दुनिया के देशों का गुस्सा बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये गुस्सा वर्ल्ड वॉर 3 का सबब बन जाए।